सो दोस्तों, इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर कुछ खतरनाक लोगों ने ज़ोंबियों को खिला दिया है कुछ केमिकल, जिसके कारण भाई वे ज़ोंबी जायंट ज़ोंबी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं सिटी के अंदर। कुछ लोगों को तो उन्होंने मार भी दिया। अच्छा, अभी तो यार मैं बाहर से आया हूँ और ये न्यूज क्या आ रही है भाई, ज़ोंबियों ने अटैक कर दिया अपनी सिटी के अंदर। भाई साहब, बाहर जाके देखता हूँ कहीं ऐसा रियल में भी है। पचके फ्रैंकलिन, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा था भाई ये। सच में न्यूज तो सच है यार। थोड़ा सा और देखता हूँ न्यूज के अंदर क्या कुछ पता लग जाए मेरे को, क्या भाई सिटी के अंदर क्या चल रहा है। अभी लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, इतने बड़े बड़े ज़ोंबी आए कहाँ से भाई। ओके, न्यूज चल रही है। तो भाई ये दो कुछ साइंटिस्ट है जो भाई विलेज एरिया के पास है, जिनके पास वही वायरस है जिनसे कि ज़ोंबी जायंट ज़ोंबी के अंदर कन्वर्ट हुए, काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। और ये बंदा भी यहाँ पर खड़ा है और ये चिल्ला रहा है, पूछ रहा है भाई क्या 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 भाई साहब। सो भाई ये शायद विलेज एरिया का ग्राउंड है भाई। हाँ यार, अभी चल के देखते हैं यार जल्दी से, अगर भाई उन जायंट ज़ोंबियों ने अभी तो कई सारे बंदों को मार भी दिया है भाई, इससे पहले वे भाग ना जाए यहाँ से, गोल्टी ना हो जाए इससे पहले उनके। सो भाई ये रहा विलेज एरिया, उतर फ्रैंकलिन जल्दी से चल यार, देख यहाँ भाग तो नहीं गए वे, जल्दी जल्दी। अबे यहाँ भी थी लोकेशन उनकी। ओके, और ये रहे भाई, ये रहे इनके पास वायरस। हेलो, अरे भैया तुमने हमारी सिटी के अंदर इतने खतरनाक जायंट ज़ोंबी कैसे कन्वर्ट करे भाई। अरे अरे सर ना, हम ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपकी इस इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी गेम के अंदर, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम जायंट ज़ोंबी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे अबे बाप रे बाप, फिर उससे हमारा क्या लेना, हमारी सिटी का क्या लेना देना। अबे जल्दी से बता दो हमारी सिटी के अंदर जायंट ज़ोंबी कैसे कन्वर्ट होंगे। ओके भाई, इन्होंने मेरे को बता दिया कि भाई तुम अपनी सिटी को कैसे बचा सकते हो भाई, ये तीन सारे केमिकल है जो आपने देखे हैं अभी, इनसे हम खुद पीकर भाई ज़ोंबीज़ों से लड़ सकते हैं और जायंट फ्रैंकलिन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। सो भाई काफ़ी बड़ा बिग न्यूज़ है और ये भाई इतना बड़ा भयंकर जो भी है भाई, कोई नहीं भाई, पहली क्लिप देखते हैं जो इन्होंने हमारे पास दी है। पहला केमिकल कहाँ पर है? ओके, रेड केमिकल। इस केमिकल को एक कंस्ट्रक्शन एरिया के पास रखा है इन लोगों ने। भैंस की आंख यार, इतनी दूर दूर केमिकल रख रहे हैं यार ये, और ऊपर से भाई हमारी सिटी भी तबाही मचा रहे हैं भाई जायंट ज़ोंबी। तो भाई जल्दी से मेरे को बचानी पड़ेगी अपनी सिटी के अंदर, इससे पहले कि काफ़ी देर ना हो जाए। जल्दी से चलता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन एरिया के पास। ओके, यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, शायद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया के पर आगे था शायद। ओके आगे चलता हूँ यार। ओके यहाँ पर थी यार, शायद ऊपर बिल्डिंग पर रखा हुआ है। ओके दोस्तों, ऑलराइट, सो भाई चलते हैं ऊपर, जो भाई हमें केमिकल मिलेगा ऊपर भाई रेड कलर का केमिकल है भाई, काफ़ी खतरनाक है, जो भाई जायंट ज़ोंबी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है भाई लोगों को। भाई पता नहीं, सीरियसली भाई मेरे को अगर ये केमिकल खाना पीना जो भी पड़ेगा, सो भाई मेरी बॉडी रिएक्शन तो काफ़ी होने वाले, क्योंकि भाई जायंट ज़ोंबी जो है भाई काफ़ी अलग सी बॉडी है उनकी, और उन पर कुछ भी केमिकल का असर जल्दी से हो जाता है, बट इंसानों की बॉडी पर इस केमिकल का असर उन्होंने बताया कि काफ़ी देर के बाद होगा। सो भाई जल्दी से ऊपर चलते हैं, क्योंकि यार ज़ोंबियों को तो सिर्फ एक ही केमिकल से असर हो जाता है, बट यहाँ पर ऊपर रखा है केमिकल, अब जाऊँगा कैसे। ओके, यहाँ पर गटर रखे हैं भाई, यहाँ पर मतलब जो भी है गटर बॉक्स रखे हैं, यहाँ पर डस्टबिन बोलते हैं जिनको हम इंग्लिश के अंदर। भाई इसको यहाँ पर सेट करता हूँ, इसकी हेल्प से हम ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों। तो भाई जल्दी से जल्दी हमने यहाँ पर लगा दिए हैं काफ़ी सारे डस्टबिन, जो कि भाई मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको वीडियो दिखा दिया है। आप जल्दी से चढ़ते हैं ऊपर फ्रैंकलिन। अबे यार तेरी मतलब तेरी सिटी का सवाल है दोस्तों। ओके भाई, इसके अंदर ये कांच की गोली ऐसी रखी हुई है। ओके भाई कोई बात नहीं, ये केमिकल तो हमें मिल चुका है, लेकिन अब हमें सेकंड केमिकल ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। भाई सेकंड केमिकल, भाई इसकी क्लिप तैयार है यहाँ पर। ओके, रेलवे स्टेशन के ऊपर रखा हुआ है इन्होंने, पटड़ी पर। अबे बाप रे बाप, रेलवे स्टेशन की पटड़ी पर रखा हुआ है। अबे मेंटल हो भाई, ट्रेन आ जाएगी तो ये सीसी टूट जाएगी यार, जल्दी से चलना पड़ेगा अब तो भाई मेरे को, और भी ज़्यादा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे की ट्रेन है भाई उसकी, जो भी आज प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, इससे पहले वो टूट ना जाए मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई यहाँ पर। और शायद लगता है भाई सीसी टूट चुकी है भाई यहाँ पर, भाई मेरे को तो लग ही ऐसा रहा है कि सीसी टूट चुकी है भाई, अब तो शायद मेरे को यहाँ से बम मार कर देखना पड़ेगा अगर पीछे हो जाती है तो। नहीं यार कुछ लग नहीं रहा मेरे को, शायद यहाँ से ये वो केमिकल मेरे को मिल पाएगा, शायद वो ख़राब हो चुका है भाई केमिकल, मेरे को लगा ही था कि भाई ट्रेन चली आ जाएगी जल्दी से, बट अब क्या करूँ भाई मैं। ओके गाइस, मैं स्टिकी बॉम्ब लगा के देख सकता हूँ यहाँ पर,
ओके भाई साहब, ट्रेन मैंने स्टार्ट कर दी, शायद नीचे अभी भी रखा हो, शायद मेरे को लग रहा है, होप सो गाइस शायद रखा हो, भगवान प्रेयर करता हूँ भाई मैं। भाई सिटी का सवाल है अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम का। ओके अभी तक तो दिखा नहीं यार मेरे को केमिकल, ट्रेन को जाने देते हैं भाई पहले। ओके जा रही है भाई, काफ़ी लंबी ट्रेन है भाई, जल्दी से निकल। ओके भाई ये बचा हुआ है अभी भी, शायद ये इसका जो ग्लास है भाई ये प्रोटेक्ट कर रहा है, काफ़ी भाई मजबूत है भाई ये। चलो भाई हमें सेकंड केमिकल भी मिल चुका है, बट अब हमें थर्ड केमिकल भी ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम जायंट फ्रैंकलिन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सेकंड क्लिप मतलब थर्ड क्लिप ये रही भाई। भाई ये भी ग्रीन कलर का है क्या? ओके भाई, सो भाई मेरे को इसकी लोकेशन तो पता लग चुकी है, बट अब मैं एक्साइटेड इस बात के हो रहा हूँ, अगर मैंने वो केमिकल लिए तीनों एक साथ तो भाई मेरी बॉडी का रिएक्शन किस तरह होगा, शायद फ्रैंकलिन मर भी सकता है भाई। सो भाई काफ़ी मौत का खेल है भाई ये, शायद अपनी फ्रैंकलिन मतलब अपनी फ्रैंकलिन अपनी सिटी को बचाने के लिए इस जोखिम का सामना पक्का करेगा। ओके इस वाली बिल्डिंग पर दिख रहा था भाई वो केमिकल शायद मेरे को, बट यहाँ से चढ़ूँ कैसे भाई? अरे बाप रे बाप, यहाँ से चढ़ूंगा कैसे यार, कुछ फ्रैंकलिन दिमाग लगा यार। ओके भाई यहाँ पर मेरे को मिल चुका है डस्टबिन, जिसकी हेल्प से हम चढ़ेंगे ऊपर ऊपर। नहीं भाई फ्रैंकलिन डस्टबिन की सहायता से नहीं चढ़ रहा है भाई, यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है फ्रैंकलिन, तो क्या करेगा फ्रैंकलिन देखते हैं भाई इस वीडियो के अंदर। ओके भाई फ्रैंकलिन ढूंढ रहा है किसी चीज़ की चाबी वगैरह या फिर कुछ और जिससे कि भाई ऊपर चढ़ सके। ओके दोस्तों मेरे को पता चल चुका है कि फ्रैंकलिन क्या ढूंढ रहा है, फ्रैंकलिन ढूंढ रहा है जेट पैक जो भाई उसने पिछली वीडियो के अंदर मतलब इस्तेमाल किया था भाई। ओके उसने उसकी हेल्प से ऊपर बिल्डिंग पर तो चढ़ गया था, बट लेकिन अब मेरे को वो भाई जब मिल नहीं रहा है जो भी है मेरे को भाई सब जेट पैक ढूंढना पड़ेगा। ओ अरे बाप रे बाप, ये रहा यहाँ पर, कहाँ पर छुपा हुआ था बेटे? ओके भाई इसके तो कोई ऑन करके चला गया भाई, भाई यहाँ से इसको लेकर निकलते हैं भाई। ओके भाई किस तरह उड़ रहा है भाई जेट पैक की मदद से, भाई फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, काफ़ी डर लग रहा है मेरे को। ओके अगली बिल्डिंग पर चलना है हमको फ्रैंकलिन। अबे अबे ऐसा मोड की यूज़ कर रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है यार। ओके भाई मेरे को जो है थर्ड केमिकल भी मिल चुका है, बट अब सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि सभी को मेरे को इंजेक्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माहौल हो चुका है यहाँ पर। अब भाई साहब ये क्या हुआ भाई, फ्रैंकलिन ऑटोमेटिकली केमिकल लेते ही भाई साहब इतना जायंट ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओ शिट गाइस साहब। ओके भाई ये फर्स्ट ज़ॉम्बी जिसके साथ फ्रैंकलिन अभी लड़ रहा है। ओरे बाप रे बाप, क्या ये शॉट मारा भाई, लैग मारी है भाई फ्रैंकलिन ने, और एक ही शॉट के अंदर ज़ॉम्बी, और ये क्या बात है, अरे ढिश भाई साहब ढिश, खत्म खत्म भाई, एक ही मुक्के में खत्म हो रहा भाई।